अब इसमें छोले डालेंगे, ये डालें प्लेट की ले रहे, पापड़ी ले रहे, खाली प्लेट नहीं, ऐसे मजा नहीं आएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हाँ लेकिन बिस्मिल्लाह जरूर पढ़नी है। ये मैंने तो दही का तड़का लगाया है, दही का तड़का, हाँ। और देखें ये प्याज डाली, अब ये इसके बाद ये मीठी चटनी दोबारा डालेंगे, मीठी चटनी दोबारा जाएगी, मतलब इसको ऐसे खाना है। ये देखें इसको चमचा भी होता हमारा, ऐसे लगेगा और साबुत पकड़ के ऐसे खाई जाएगी। कुछ खट्टी मीठी बातें भी हो जाए, कुछ खट्टा मीठा जायका भी हो जाए। इस समय मौजूद हूँ जहांगीर रोड नंबर 2 पर नवीद मिल्क शॉप के बिल्कुल ही पास। जबरदस्त यहाँ मिल रही है बाले भाई की मजेदार हाथों वाली चाट, बहुत अरसा भी हो गया है। और यहाँ जो मिलती है एक अनोखी चाट है जो पापड़ी के ऊपर रखी दी जाती है। कैसा जायका है, क्या क्वालिटी, क्या प्राइसेस है, तो जानने के लिए जुड़ रही है मेरे साथ इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करें, अगर आपको मैं अच्छी लगती चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियोस मिलते रहे। दिखाते हैं आज की वीडियो में बाले भाई की मशहूर चाट। हमारे साथ मौजूद है बाले भाई जो गुज़िश्ता बरसों से बना रहे जबरदस्त सस्ती तरीन चाट। जानेंगे क्या राज है, क्या इसके अंदर मिला रहे हैं जो लोग इतने दीवाने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाल हो गया महंगाई से, लेकिन आप इतनी सस्ती तरीन चाट दे रहे हैं, क्यों, वाय? ये हमारा मोहब्बत है यहाँ के लोगों से। अगर ये हम सस्ती देंगे तो लोग आते रहेंगे, अगर महंगे देंगे तो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। ये और ये पापड़ी हमारी बड़ी मशहूर है। अच्छा, बेगन से इतनी मोहब्बत करते हैं? अरे जितनी छोलों से मोहब्बत है बेगन से क्या करेंगे। छोलों से मोहब्बत है, बेगन से नहीं है इतनी हमारी मोहब्बत। पहले शुरू तो चली हुई, लेकिन बेगम से इस वक्त छोलों से मोहब्बत है। हाँ इश्क है, और पापड़ी से ज्यादा इश्क है यहाँ पर। ख्वाबों में भी छोले पापड़ी नजर आते हैं। अरे पता नहीं कितनी पापड़ी बनाते रहता हूँ वो बैठा हुआ। कितने टाइम हो गए बाले भाई? मेरे को तकरीबन 38 साल हो गए यहाँ। पहले क्या प्राइस थे? पहले मेरी 3 रुपए की पापड़ी होती थी, और क्या नाम है, 3 रुपए की पार्सल होती थी। हाँ बहुत सस्ते का दौर था, 1984 से मैं लगा रहा हूँ। 80 रुपए की प्लेट है और 100 रुपए की पार्सल है। पापड़ी 50 रुपए की हो गई है अब, बहुत ये महंगी हो गई है, इसकी वजह से 50 रुपए की है। वैसे आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी तकरीबन 74-75 है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी तक ये देखें, ये क्या है, पापड़ी ली निकाली मैंने, ये देखें, ये मैंने मीठी चटनी में डाल दी, डिप कर दी। ओए होए होए, इंडिया की चटनी है, दिल्ली की मशहूर, दिल्ली की मशहूर। अभी इसमें छोले डालेंगे, ये डालें, प्लेट क्यों ले रहे, पापड़ी ले रहे, खाली प्लेट नहीं, ऐसा मजा नहीं आएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हाँ लेकिन बिस्मिल्लाह जरूर पढ़नी है। ये मैंने दही का तड़का लगाया, दही का तड़का, हाँ। और देखें ये प्याज डाली, ये देखें प्याज, अब ये इसके बाद ये मीठी चटनी दोबारा डालेंगे, मीठी चटनी दोबारा जाएगी, मतलब इसको ऐसे खाना है। ये देखें इसको चमचा भी होता हमारा, ऐसे लगेगा और साबुत पकड़ के ऐसे खाई जाएगी, जैसे आप पकड़े 1 मिनट के लिए पकड़े और ऐसे ही पकड़े, मतलब ऐसे खाने, मिक्स भी नहीं करनी, मिक्स नहीं करेंगे तो बेकार हो जाएगा। 50 रुपए की, 50 रुपए की एक है। हमारे पास दही बड़े, छोले और छोलो दही बड़ी की चाट है। पापड़ी आइडिया कैसे आया, क्योंकि एक पापड़ी के ऊपर ही रख के देते हैं, मतलब पापड़ी चूरा, लोग चूरा करके देते हैं। वो चना पापड़ी चूरा वाली होती है। अच्छा। लेकिन ये नहीं है, ये साबुत पापड़ी खिलाई जाती है। हाँ मजा इसी में है, चूरे में मजा नहीं आएगा। चूरे में अगर खाना है तो छोले खा लें। किस्म के मसाले डाले? हमारे 12 मसाले होते हैं। 12 मसाले, 12 मसाले, ये देखे 12 मसाले, ये 12 मसाले, ये देखो टी, ये देखो, हाँ नहीं ऐसे ही खाना होता है। ये देखो दही का तड़के में क्या दिया है, ये मसाला, ये देखो, ओए होए होए होए, क्रिस्पी क्रिस्पी है, ये दही का तड़का, मजेदार मजेदार, ऐसे पकड़ के बच्चों को देते हैं। अच्छा पकड़ो बच्चे, ये लोग बच्चों को बना दो ऐसे खाएंगे, ठीक है, देखो खाओ, ये देखो। अच्छा जी, ये तड़का लगाया ना बाले भाई, टाइमिंग क्या है? हमारे यहाँ 3:30 बजे से और 6 बजे तक। रमजान में भी आप इसी टाइम है हमारा, हाँ। रमजान में तो पता कितना रश होगा, कितने लोग रमजान में आए, आप हमारा रमजान में देख के जाए। अच्छा, हाँ ये कुछ ज्यादा, आप जो है अपने वर्कर भी रख देते हैं? हाँ वर्कर भी होते हैं। अच्छा, ये देखें ये बना रहे हैं। अच्छा ये मिक्स चाट है, दही बड़े, दही बड़े। अच्छा ये दही का तड़का, इसमें क्या क्या डाला है? दही में इसमें चटनी होती है, दही ये हरी मिर्च की होती है चटनी, और इसकी चटनी का जायका ही अलग होता है। ये देखें जोश, देखें जोश बाले भाई का पापड़ी तोड़ने का, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह। सलाम है आपको बाले भाई। वालेकुम सलाम। क्या आप इतनी मजेदार चाट बनाए, वाह। खट्टी चटनी, मीठी चटनी, रायता, ये मैंने खट्टी मीठी सब डाली, तड़का, और ये देखें
चले जी नाज़रीन, बाले भाई की चाट टेस्ट करते हैं और लोगों से बात करते हैं उनको कितनी मजेदार लग रही है। मैं तो खाऊंगी पापड़ी चाट, क्योंकि पापड़ी चाट खाने में मजा ही अलग लग रहा है कि एक्सपीरियंस लग गया। देखेंगे कैसा है खाने में और कितना जायका आएगा। जुड़े रहिए मेरे साथ जी। कब से खा रहे बाले भाई की चाट? 3-4 साल से तो खा रहे हम लोग। कैसा लगता है जायका? बेहतरीन है, जब भी तो इधर आते हैं। आपको ऐसा लगता है कि बूढ़े ज़ईफ़ के हाथों में ज्यादा जायका होता है? बाले भाई के हाथ का जायका, वरना इनकी कहीं और भी ब्रांच है वहाँ मजा नहीं आता, इनके हाथ में ही मजा आता है। कैमरे के पीछे जो लोग देख रहे होंगे उनको भी यही अच्छा लग रहा होगा। मुझे जो बात इनकी अच्छी लगी, ईमानदारी और नियत। लोग ऐसे भी आ रहे थे, उनको बच्चों को खुश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जबरदस्त ये पापड़ी चाट बना रहे हैं, 12 मसालों से तैयार करते हैं इनकी पापड़ी चाट। तो टेस्ट करते हैं। कमाल कमाल कमाल। कहते हैं ना, जितने बूढ़े ज़ईफ़ लोग होंगे उनके हाथों में बहुत ही जायका होता है, जादू होता है, जादू। ऐसे छोले कोई नहीं बना सकता, बाले भाई बना सकते हैं। जिस तरह इसका जायका, बड़ा मजा आ रहा है। मैंने को वीडियो एंड करना है क्योंकि ये सारे छोले खाने हैं। जहांगीर रोड 2 नंबर पे आएंगे और किसी से पूछेंगे बाले भाई, तो बाले भाई के नाम से बड़े मशहूर है छोले। आए टेस्ट करें, इनको सपोर्ट भी करें और इनको अप्रिशिएट भी करें। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अपनी मेजबान सुनो बछोड़ी को इजाजत, देखते रहिए डेली नया।